जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल राधा कृष्ण किचन पर स्वागत है। तो आइए आज हम फिर एक नई डिश लेके आए हैं जिसका नाम है लच्छा पराठा। घर पर झटपट कैसे तैयार करें, तो आज मैं आपको लच्छा पराठा की रेसिपी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमने लिया है आटा, और ये आटा लगभग हमने 1 kg के आसपास, और इसमें हमने 1/2 kg मैदा लिए। तो हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में हम इसके अंदर अभी हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अभी इस आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसको नरम गूंद कर रख लेंगे। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अभी हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। अभी हमारे आटे को 1/2 घंटा हो गया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पराठा बनाना। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इतना नरम आटा लगाकर तैयार किया है। तो आप भी इसी तरीके से इतना नरम ही लगाएं। अभी इस तरीके से हम इनके गोल गोल इतने बड़े साइज के गोले बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इनके गोले बना लिए हैं। अब आइए बेलना शुरू करते हैं। ये हमने बेल दिया है। अभी इसके ऊपर हम अच्छे से पूरे पे तेल लगा देंगे। अभी ये हमने बेल लिया है और इसके ऊपर तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का इस तरीके से आटे को छिड़क लेंगे। अभी इसको हम धीरे से एक तरफ से इस तरह से ध्यान से ऐसे उठाकर फिर ऐसे इसकी लेयर हमको बनानी है इस तरीके से। ये हमारी लेयर बन गई है। अभी हम इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे, और इसको यहाँ ऐसे चिपका देंगे। इसी तरीके से हम सभी आटे की गोली को करके रेडी रखेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से ये बना के रख लिए हैं। तो आप भी इनको इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लें, और 5 से 7 मिनट के लिए इनको ऐसे बना के छोड़ दें ताकि ये और अच्छे से फॉर्मेट हो जाए। तो अभी आइए बेल लेते हैं लच्छा पराठा। हल्के हाथों से इनको हम बेलेंगे, हल्का सा ऐसे पलोथन लगाएंगे सूखा आटा, और फिर हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे ये हमारी लेयर्स जो हैं ये ख़राब ना हो, हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे बेल लेंगे। ये हमारा पराठा भी बिल गया है। तो आइए सेक लेते हैं। तवा हमारा गर्म है। ये देखिए, पीछे से भी कितनी अच्छी इसमें लेयर्स आई हैं जो लच्छा पराठा बनाती हैं। तो आइए अभी सेकते हैं। तो अभी पलट देंगे हम इसको। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम घी, बटर या तेल आपको जिसमें भी पसंद हो उसके साथ इसको पका सेक लें। तभी देखिए, इसको हम इस तरीके से दबा दबा के सेक लें ताकि कहीं से हमारा कच्चा ना रहे। और ये लेयर देखिए अपने आप ही खुलती जा रही है इसकी, इस तरीके से इसको ये देखिए कितना अच्छा पीछे से कलर आया है। तो इसी तरह से इसको दबा दबा के चारों तरफ से अच्छे से सेक लें। ये शाइनिंग
आप खुद ही देख सकते हैं लच्छा पराठा की। ये देखिए ये सिक गए हमारे, कितनी अच्छी इसकी लेयर्स अलग हो रही हैं ये अपने आप ही। ये देखिए इस तरीके से हम इनको सबको ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये लच्छा पराठा हमारा बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये लच्छा पराठे की नई रेसिपी? तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।